हाँ जी, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूँ इस सेल्फ एम्पावर क्लब के अंदर, जिसके थ्रू आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सोशल मीडिया के थ्रू कैसे पैसा कमा सकते हैं। सो आपको ये बात मैं पहले बता देता हूँ कि अगर आपको सीखना है कि सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कैसे कमाते हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर 40 मिनट इस वीडियो को ध्यान से देखना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास काम के लिए आते हैं कि सर मुझे पैसा कमाना है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर देते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, आप लोगों ने काम को बड़े ध्यान के साथ देखना है। क्योंकि जितना बढ़िया तरीके से आप इस वीडियो को देखोगे, उतने ज़्यादा तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर आपने 10 घंटे भी वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना? क्योंकि अगर हम लोगों ने इतना बड़ा सेशन बनाया है तो सोच समझ के बनाया होगा ना। आप जैसे बहुत सारे लोग हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, जो ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन सारे पर्सन कामयाब क्यों नहीं होते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं। तो आई होप सो कि आप उनमें से नहीं आते जल्दबाजी करने वालों में से। आप इस सेशन को बढ़िया से ध्यान से देखोगे, और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ताकि आने वाली और भी वीडियोज़ अपडेट्स आपको डेली बाय डेली मिलती रहें। तो चलिए सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बहुत सारे पर्सन अपनी पुरानी थिंक के साथ ही नए काम को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 21st सेंचुरी चल रही है और आज की डेट के अंदर बंदे को चेंज होना पड़ेगा। अगर आपको रियली अपनी लाइफ को चेंज करना है, अगर आपको सच में अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जो भी आप सोच के साथ आप जी रहे हो, आपको वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप वो चेंज नहीं करोगे तब तक कामयाबी भी बहुत दूर है ना। तो चलिए आपको आगे लेके चलता हूँ मैं। सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ। नाम मेरा अमृतपाल सिंह है, फ्रॉम विलेज आजमवाला से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका पंजाब से। स्टडी की बात करूँ तो ऑलरेडी बीए मेरी कंप्लीट है एमआर कॉलेज फाजिलका से। फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो कोई खास नहीं, कोई बड़ा नहीं, पुअर फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से भी नहीं हूँ, पुअर फैमिली से हूँ। वर्क एज ए लेबर यानी कि दिहाड़ी मजदूरी वाले फैमिलीज में बिलोंग करता हूँ। और मैं खुद की बात करूँ तो 13-14 साल की उम्र के अंदर ही मैं वर्क के अंदर लग गया था, काम के अंदर लग गया था। तो 9 साल मैंने काम किया अपनी लाइफ के अंदर मैनी फील्ड्स के अंदर, लाइक सेल्समैन, शॉपकीपर, लेबर, पेट्रोल पंप, सो मच स्ट्रगलिंग लाइफ, है ना। आपके सामने ये मेरी फोटो लगी हुई है, ये इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप की वीडियो है, तो सारी फोटो लगी हुई है आपके सामने है। तो आप देख सकते हैं कितनी स्ट्रगलिंग लाइफ रही है, और जो बाकी की मेरी लाइफ रही है वो भी आपको मैं आगे दिखाता हूँ अपनी फोटो के जरिए। ये आप देख सकते हैं कि मेरी फोटो तो आपके सामने है, वेरी स्ट्रगलिंग टाइम फॉर मी। दिहाड़ी मजदूरी करना, है ना, मतलब पेट्रोल पंप के ऊपर, दुकान के ऊपर काम किया, मतलब हर एक काम किया जो हमारे गांव के अंदर होते हैं। लेकिन सबसे मेन बात पता क्या आती है, मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, बहुत सारे पर्सन ये बात सोच लेते हैं कि जो कर रहे हैं ना वो पहले से प्रोफेशनल हैं, वो पहले से बड़े घर से हैं, वो पहले बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से उठ के इस सिस्टम के अंदर आया था, और 1 साल के अंदर टोटली लाइफ चेंज होगी, वो भी आपको मैं आगे बताता हूँ। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ कर रहा था, गॉड को भी काफ़ी गाली निकाल रहा था, यार भगवान मुझे इस मतलब इस घर में पैदा क्यों किया, मुझे बड़े घर में पैदा क्यों नहीं किया ना, और लाखों सवाल मन के अंदर थे। लेकिन तब भी फाइनली आपको मैं आगे लेके चलता हूँ, एक ग्लोबली अपॉर्चुनिटी मेरी ज़िंदगी के अंदर आई, जैसे आज आपको वीडियो मिल रही है। फेब 2021 के अंदर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी ऑनलाइन, किसी मेरे दोस्त ने, रिलेटिव ने मुझे यहाँ पे दिखाई थी। पहले भी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि भाई ऑनलाइन काम चल रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पहले क्या होता, ट्रस्ट नहीं होता हम लोगों का ना, तो मैंने यकीन नहीं किया। और उसके बाद फरवरी 2021 के अंदर मेरी लाइफ के अंदर आई थी, और 1 साल के अंदर ही मैंने 3.5 लाख रुपये अर्न कर लिए थे। अब 3.5 लाख रुपये बहुत बड़ी अमाउंट है एक गरीब परिवार के लिए, लेकिन मैंने अर्निंग क्यों कर ली थी, क्योंकि मेरे पास मजबूरी थी, मेरे घर की मजदूरी थी, मेरी 2 सिस्टर हैं, मैंने उनकी शादी करनी है ना, तो मेरे घर बार भी अच्छा नहीं है, मैंने उनको बनाना है, मैंने अपने सपने पूरे करने हैं। ऑलरेडी 22 साल की मेरी उम्र हो चुकी थी ना, अभी भी मेरी 22 साल की उम्र रनिंग में चल रही है, 21 साल की मेरी उम्र हो चुकी थी। तो 3.5 लाख रुपये मेरी वाई ने मेरे से करवाया। तो अगर आपने इस काम को चुनना है, अगर आपने इस काम को देखना है, तो सबसे पहले आपको आपकी वाई होनी चाहिए, आपकी एक स्ट्रांग वाई होनी चाहिए कि आप इस काम को क्यों करना चाहते हैं, क्लियर है। उसके बाद फाइनली 1 साल के बाद ये लाइफस्टाइल आपके सामने है, नाउ वट अचीव, मैंने अभी क्या अचीव किया है। सबसे बड़ी बात, फाउंडर एंड CEO सेल्फ एम्पावर क्लब, 22 साल की उम्र के अंदर मैं फाउंडर ऑफ सेल्फ एम्पावर क्लब बन गया हूँ, यानी कि एक ऐसा क्लब जो मैंने क्रिएट किया है, जिसके थ्रू मैंने अपनी ज़िंदगी नहीं बदली, मैंने और भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली है, जिन्होंने मेरे साथ काम स्टार्टअप किया था आज से 6-7 मंथ पहले, 8 मंथ पहले, आज वो भी किसी लेवल पे हूँ। और उसके बाद मोटिवेशन स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट, नेटवर्कर, यंग एंटरप्रेन्योर, यानी कि ये लोगों के ड्रीम होते हैं बनना,
कि मैं बिजनेसमैन बनूं या मैं मोटिवेशन स्पीकर बनूं, नेटवर्कर बनूं या मैं यंग एंटरप्रेन्योर बनूं, लेकिन मेरे सिस्टम के अंदर इतनी पावर है और खुद की मेहनत के अंदर इतनी पावर दी कि यह सारा कुछ मैंने आज अचीव कर लिया है। आपके सामने जिस उम्र के अंदर लोग रिचार्ज करवाने के लिए पैसे मांगते हैं अपने घर बार से, है ना, अपने मम्मी डैडी से, उसी उम्र के अंदर आपके सामने बैठा हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक खुद की एक मतलब होता है ना, एक होता है बाप की प्रॉपर्टी और एक होती है खुद की अपनी, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैंने काम को स्टार्ट किया था, अपनी हिम्मत के ऊपर काम स्टार्टअप किया था और जो भी अचीव किया एक साल के अंदर आपके सामने है। आप मेरी फोटो देख सकते हैं, एक साल के अंदर टोटली जो लाइफ है वो चेंज होगी, है ना। लेकिन एक ऐसे नहीं होगी ये कि मैंने लॉटरी डाली, ये लॉट ऑफ हार्डवर्क का बहुत मेहनत करने के बाद ये मिला है। लेकिन मैं आपको वो सिस्टम दिखाना चाहता हूँ, वो मैं रास्ता दिखाना चाहता हूँ जिसके थ्रू मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया। तो आई होप कि आप इस चीज़ को बड़ी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी बनाने का सवाल है, ये आपकी कामयाबी का सवाल है। तो मैं नहीं चाहता कि 10 सेकंड के लिए भी आप इसको स्किप करें और बाद में आप बोलें कि सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, है ना। तो बढ़िया तरीके से काम को समझना है, सीखना है, क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं। क्लियर है? तो चलिए आपको आगे लेके चलता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूँ आपका, मैं सेल्फ एम्पावर क्लब फैमिली के अंदर, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या लिखी हुई है मैंने, चेंज योर थॉट्स एंड यू विल चेंज योर वर्ल्ड। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो सबसे पहले आपको आपके विचार बदलने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप अपने विचार नहीं बदलोगे तब तक ज़िंदगी नहीं बदल पाओगे। क्लियर है? तो उसके बाद आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। हर एक क्लब का एक मिशन होता है, उसी तरह हमारे सेल्फ एम्पावर क्लब का भी एक मिशन है कि हर जॉबलेस पर्सन को एक इंडिपेंडेंट ओनरशिप देना, जिस प्लेटफॉर्म से वो अपने ड्रीम अचीव कर सके। हेलो गाइस, मैं दो टाइम के खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सपनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 84 लाख जून बोलते हैं ना, जैसे बड़े लोग हमें बताते हैं कि 84 लाख जून है पूरी दुनिया के अंदर, उनमें से इंसान एक ऐसी जून है जो सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है, जिसके पास दिमाग है, जिसके पास सोचने की पावर है। तो अगर हम वही पावर दो टाइम की रोटी के पीछे भागते भागते लगा देंगे तो फिर हमारा इंसान होने का क्या बेनिफिट हुआ। इंसान एक ना मतलब बड़ी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि इंसान का जन्म क्यों हुआ, तो आगे से वह जवाब देते हैं, इंसान का जन्म हुआ लोगों की हेल्प करने के लिए। इंसान का जन्म हुआ वो लोगों की हेल्प करने के लिए हुआ है। तो उसी तरह हम भी एक जरिया बने हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए, कि आप भी अपने घर पे बैठ के एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम आपको दें कि जिसके थ्रू आप अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं। सपनों की बात कर रहे हैं, सपने आपके कितने भी बड़े हो सकते हैं, आपके वो अचीव भी होंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस सेशन को ध्यान से देखना पड़ेगा। बार बार मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जल्दबाजी होती है, अभी चाहिए ना, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि आपको इस सेशन को ध्यान से देखना है, क्योंकि जब तक आप इस सेशन को ध्यान से नहीं देखोगे तब तक कामयाबी बहुत दूर है ना। तो उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ थोड़ा सा। अगर आपको ज़िंदगी के अंदर कामयाब होना है तो आपको प्रॉब्लम का सलूशन करना पड़ेगा। जैसे कुछ टाइम पहले पानी की दिक्कत आई थी, बिस्लेरी ने सलूशन किया, आज वो सक्सेस है। और उसके बाद कुछ टाइम पहले बैंक के अंदर दिक्कत आई थी डाटा एनालाइज करने की, भी वो कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे रखेंगे किताबों वगैरह की, तो किसी बंदे के ने दिमाग फिर गया और उसने क्या बना दिया, कंप्यूटर बना दिया। पहले उसका विरोध हुआ, लेकिन अब वही सोल्यूशन है और आप सबकी जेब के अंदर भी कंप्यूटर पाया जाता है, जिसको हम मोबाइल बोलते हैं। यानी कि जिन्होंने भी आज तक प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया है वो बंदे आज की डेट के अंदर सक्सेस है। तो उसी तरह 2021 के अंदर जो हमारी आज की डेट चल रही है, 2022 चल रहा है, तो 22 के अंदर 21वीं सदी के अंदर आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज की डेट के अंदर? सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, वो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। और उससे बड़ी प्रॉब्लम एक और है, बीमारी, जो कि हर घर के अंदर छोटी से छोटी पाई जाती है, चाहे बीपी हो चाहे वो शुगर हो, नॉर्मल फैमिलीज के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा आजकल बीमारी फैल चुकी है ना। तो खुशी की बात क्या है कि हमारा जो काम है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारा काम है। तो जिस कंपनी के साथ, जिस सिस्टम के साथ हमने टाइप किया हुआ है, वो हेल्थ और वेल्थ के ऊपर काम करती है, इन दोनों को सॉल्व करने का दम रखती है। इसीलिए वो कंपनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसके बारे में क्या बताऊँ यार आपके सामने। इस पर्सन की एक साल पहले आपने लाइफस्टाइल देखा है और अभी आपने लाइफस्टाइल देख लिया है, आपके सामने बैठा हूँ, आप खुद चेक कर सकते हैं कि एक साल के अंदर टोटल लाइफ जो वो चेंज कर दी है ना। तो उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। उस कंपनी का जो नाम है वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, जो कि एक अमेरिकन ब्रांड है, तो हमने उसी के साथ टाइप किया हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, अमेरिकन ब्रांड है। अमेरिकन ब्रांड यार, आप खुद देखिए दुनिया की सबसे बड़ी पावर कौन सा देश है, अमेरिका है। दुनिया के सबसे अच्छे फ़ोन कौन से बनाता है, वो भी अमेरिका बनाता है। दुनिया के सबसे अच्छे गूगल्स हो गया जैसे, या बड़े बड़े एप्लीकेशन जब वो कहाँ की हैं,
वो अमेरिका की है। तो उसी तरह जिस कंपनी के साथ हमने टाइप किया वो दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है, इसका नाम क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। बहुत सारे पर्सन ने इस कंपनी का नाम सुना होता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखने से और नाम सुनने से कभी पैसा नहीं आता, काम करने से पैसा आता है। इसी सिस्टम के अंदर मैं काम कर रहा हूँ और आपके सामने, क्लियर है। तो आज इसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, सिस्टम क्या है, कैसे काम करती है, क्या चीज़ है, कैसे पैसा आता है, आपको एक एक सवाल के जवाब मिलने वाले हैं। बस आपने क्या करना है, अपने सेशन को ध्यान से लगाना है, ठीक है। उसके बाद आगे लेके चलता हूँ मैं थोड़ा सा आपको, तो प्रोफाइल के बारे में आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग की बात करूँ तो 1978 के अंदर अमेरिका के अंदर स्टार्टिंग हुई थी, लगभग 44 ईयर हो चुकी है इसको। फाउंडर मिस्टर एक्स मोगन जी, 160 प्लस कंट्रियों में काम चल रहा है। हेलो गाइज, मैं 10 गांव की 10 एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 160 कंट्रियों की बात कर रहा हूँ। ये मैं नहीं बोलता, ये गूगल बोलता है, मैं आपको आगे जाके दिखा भी दूंगा। कंपनी का जो बेस है वो एलोवेरा और बीहाइव है। बीहाइव मतलब बी हनी के प्रोडक्ट बनाती है। इंडिया के अंदर 2000 के अंदर आई थी, 3000 से ज़्यादा ऑफिस हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनमें से 19 ऑफिस जो हैं वो इंडिया के अंदर हैं। सेल्स ऑफिस की बात करूँ तो हेड ऑफिस जो हमारा है वो बॉम्बे के अंदर है, मुंबई के अंदर है, और सेल्स हेड हैं जो पूरी इंडिया के अंदर मैनेजमेंट करते हैं, मिस्टर हरीश सिंगला जी, थैंक यू करता हूँ मैं इनका कि जिन्होंने फॉरएवर के अंदर हमें इंट्रोड्यूस करवाया और पूरी मैनेजमेंट को इंडिया में संभालते हैं। और 10th के अंदर 10वें पॉइंट के अंदर आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी बेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर सबसे जो बेस्ट मैनेजमेंट करती है वो फॉरएवर लिविंग कंपनी है। कहते हैं कि जिसकी मैनेजमेंट अच्छी होती है ना उसका फ्यूचर बहुत बढ़िया होता है। तो आप खुद चेक कर सकते हैं, 44 ईयर हो गए कंपनी को चलते हुए, आज भी कोई केस नहीं है, कोई भी इसके ऊपर मतलब होता ना एक इलीगल काम नहीं है, कोई भी ऐसा केस नहीं है कि जो प्रूफ कर सके कि फॉरएवर के अंदर ये बैड हैबिट है, क्लियर है। उसके बाद आगे लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को, और सबसे खुशी की बात क्या है कि कंपनी की स्टडी हो रही है हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। एक सिलेबस है जिसके अंदर स्पेशली फॉर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल इज़ द लीडर अमंग ऑफ द मैनी नेट मार्केटिंग कंपनीज, यानी कि बहुत सारी कंपनियों में से जो फॉरएवर लिविंग है वो सबसे बड़ा लीडर है। वो कैसे, क्योंकि 160 देशों में चलता है यार, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, और डेप्थ फ्री है। डेप्थ फ्री का मतलब होता है कि कंपनी के ऊपर एक भी रुपए का केस नहीं है, और जो क्वेश्चन रेटिंग एंड इस्लाम सील्स ऑफ अप्रूवल, यानी कि जो बड़ी बड़ी सील्स है, बड़े बड़े सर्टिफिकेट हैं, वो फॉरएवर लिविंग को मिले हैं और किसी भी कंपनी को नहीं मिले अभी तक, है ना। आपको आगे लेके चलता हूँ, अब कंपनी बेस्ट क्यों, वाई फॉरएवर बेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी सर्च करो आपके सामने नाम आएगा, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट आप सर्च करो आपके सामने नाम आएगा, वर्ल्ड बेस्ट इनकम प्लान, मार्केटिंग प्लान, एथिकल कंपनी, ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम आपके सामने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, हर एक चीज़ के अंदर कंपनी बेस्ट है। क्यों, क्योंकि कंपनी अमेरिका की है। अब बहुत सारे पर्सन हमारे बीच में समझदार बैठे हुए हैं ना, वो भी क्या बोलते हैं कि यार विदेश की कंपनी है, भाग जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। देखो, कंपनी वो भागती है जो नीचे आ रही है, जो गिर रही है, लेकिन कंपनी तो 160 देशों में काम कर रही है, क्यों भागेगी। जब एक माँ अपने एक बेटे को छोड़ के नहीं भागती, तो क्या कंपनी 160 देशों के अंदर 10 लाख लोगों से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, क्या उनको छोड़ के भाग जाएगी, है ना। तो सोचने वाली बात है, अमेरिका ने कोई भी ऐसा काम आज तक नहीं किया जो उनको डाउनफॉल में लेके आए, हमेशा वो काम करती है जो 50 साल आगे है, और अमेरिका तो हमसे पहले ही 50 साल आगे। आप खुद समझदार हैं ना, आप चेक कर सकते हैं, बाकी गूगल के ऊपर विश्वास है तो आप खुद जाके चेक करिए कि कौन सी कंपनी बेस्ट है और कौन सी कंपनी नहीं है ना। उसके बाद आगे लेके चलता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि हमारा काम क्या। बहुत सारे पर्सन ना वीडियो को देखने के बाद क्या बोलते हैं कि सर मुझे पता नहीं चला काम क्या है। देखिए, बिल्कुल नया यूनिक काम है, कुछ नहीं करना, जो हेल्थ पेशेंट है उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है जैसे आप लोग हैं, तो हमने आपको क्या बताया, काम के बारे में बताया। यही अगर आप शुगर के पेशेंट होते या कोई भी दिक्कत होती, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन फिर भी अगर आप होते तो मैं आपको किसके बारे में गाइड करता, आपको मैं प्रोडक्ट के बारे में गाइड करता। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पीछे एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमारी फॉरएवर लिविंग का प्रोडक्ट है ना। ये बेचने वाला काम नहीं है, ये क्या है, ये शेयरिंग करने वाला काम है। शेयरिंग कैसे, जैसे मैंने क्या किया, मैंने पहले इसके बारे में नॉलेज ली, ये क्या चीज़ है, किससे काम आता है, क्या चीज़ है। अगर मेरे रिलेटिव के अंदर, अगर मेरी फैमिली के अंदर किसी को वो दिक्कत है, तो हम उसको वो शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो डॉक्टर के पास जा रहा है, तो डॉक्टर को भी तो पैसे दे रहा है, लेकिन डॉक्टर कोई भी गारंटी नहीं ले रहा कि ये चीज़ सही है या गलत है, क्या चीज़ है, कैसे है। लेकिन हमारी फॉरएवर लिविंग कंपनी गारंटी लेती है कि अगर मेरे प्रोडक्ट से किसी को कोई भी नुकसान पहुँचता है, पहली बात बताते हो, ये दवाइयाँ नहीं है, ये न्यूट्रिशन है हमारे, ये बीमारी के ऊपर काम नहीं करते। लेकिन हाँ, इंडिया के अंदर एक ऐसी मेंटेलिटी बनी हुई है, हमारा विश्वास बना हुआ है कि इस प्रोडक्ट से बाकी लोग ठीक होते हैं। बहुत सारे पर्सन ऑलरेडी ठीक हुए हैं, मेरी मम्मा की भी लीवर की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी है ना, और पर्सनल प्रॉब्लम आपको पता है आजकल की हर एक लेडीज को ज़्यादातर होती है, तो वो प्रॉब्लम थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब मैंने प्रोडक्ट यूज़ करवाई तो पहले मेरा बिलीव बना। अब खुद देखिए, पढ़ा लिखा पर्सन, एक बीए पास आउट पर्सन, ऐसे तो लोगों की बातों में आता नहीं है ना। तो वही चीज़ है, पहले मैंने रिजल्ट देखा प्रोडक्ट का, मुझे यकीन हुआ कि प्रोडक्ट में दम है,
तो उसके बाद मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि तुम इसके अंदर काम भी कर सकते हो। देखो आप ऑलरेडी चीनी वगैरह साबुन वगैरह आप बाहर से लेते हो मार्केट से, 20-20 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक आपको 1 रुपया नहीं आया। आपके बताए हुए लोग बहुत सारे जाते हैं वहाँ पे लेकिन दुकानदार ने कभी आपको 1 रुपया नहीं दिया। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर आप किसी को बताते हो और अगर वो पर्सन फॉरएवर लिविंग से प्रोडक्ट लेता है तो कंपनी आपको उसी चीज़ के पैसे भी देती है। और उसकी बजाय अगर आप किसी को काम भी बताते हो तो भी आपका लाइफ टाइम आपका वो पार्टनर बन जाएगा। जितना भी वो काम करेगा आपको लेवल के अकॉर्डिंग आपको पैसा आता रहेगा, पूरी लाइफ आता रहेगा। और कंपनी की बात करूँ हेल्थ केयर से लेके स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर, हर एक चीज़ के प्रोडक्ट आते हैं। सर से बाल से लेके पैर के नखून तक जो भी हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं वो हमारे आते हैं। और नीचे मैंने नोट लिखा हुआ है हमारा प्रोडक्ट कोई भी बेचने वाला काम नहीं है, हमारा जो काम है वो एडवर्टाइजमेंट का काम है। आपको मैं आगे बताऊँगा कि एडवर्टाइजमेंट की पावर क्या होती है। नो सेल टू डोर टू डोर और ऑनलाइन वेबसाइट, हमारा काम बेचने वाला नहीं है, हमारा काम सीखने वाला। और कैसे होगा ये, हाउ, नीचे लिखा हुआ अटेंड 2 मोर डेमो क्लासेस रिक्वायर्ड। अगर आपको बढ़िया तरीके से सीखना है कि ये शेयरिंग क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, बिजनेस प्रमोटिंग क्या होती है, तो उसके लिए आपको जो आने वाली 2 क्लासेज हैं, 2 वीडियोज हैं वो आपको देखनी पड़ेगी, वो लगानी पड़ेगी। उसके अंदर आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हमारा काम क्या है। तो चलिए आगे लेके चलता हूं मैं आपको। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको नॉर्मल ग्रोथ करनी है, अगर आपको 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने हैं तो आप हेल्थ के अंदर डील कर सकते हैं। जो भी हमारे मिडिल क्लास फैमिली के अंदर आपको पता 2-3 लाख रुपए नहीं होते हार्ट पेशेंट के लिए या हार्ट की ब्लॉकेज के लिए, तो वहीं पे अगर हम आर्टिक्स वगैरह शेयर करते हैं या कंपनी के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं अगर हम शेयरिंग करते हैं तो आप 10 से 15 हज़ार रुपये नॉर्मल मंथली कमा सकते हो। लेकिन अगर आपको 10x की बूस्ट लेवल करना है, अगर आपको 20,000 से ज़्यादा कमाना है, 50,000, 60,000, 70,000 रुपये और अपना सिस्टम बिल्ड करना है, तो उसके लिए आपको 2 दिन की क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि आपको 2 दिन की और क्लास अटेंड करनी पड़ेगी जिसके थ्रू आप अपनी इनकम को हज़ारों में लाखों में ले जा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, क्लियर है। उसके बाद मैं आगे लेके चलता हूँ आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। कंपनी का सारा काम है वो सीसी के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका की कंपनी है, हम इंडिया में रह रहे हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको इक्वल करने के लिए, डॉलर और पैसे को एक करने के लिए कंपनी ने क्या बना दिया, सीसी बनाई है। सारा जो गेम है वो सीसी की है। हमारी सारी कंपनी की अकाउंटिंग जो होती है वो सीसी से होती है। जैसे हमारी कंपनी के प्रोडक्ट आते हैं 100 पॉइंट हो गया, 105 पॉइंट हो गए, 132 पॉइंट हो गए, यानी कि जैसे सी प्लस की बात करूँ तो इसको लगभग 90 के लगभग पॉइंट दिए गए हैं। जैसे हम किसी को शेयरिंग करते हैं तो उसके पॉइंट हमारी आईडी में कलेक्ट होते हैं, और जैसे जैसे हमारी आईडी में पॉइंट कलेक्ट होते हैं तो 1 सीसी की वैल्यू 1,000 पॉइंट है और 2 सीसी की वैल्यू 2,000 पॉइंट है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आपने क्या करना है, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और उस पर्सन को सेंड कर देना है, जिस भी पर्सन ने आपको इस वीडियो का लिंक सेंड किया है आपने उसको पर्सनली सेंड कर देना है, वो आपको पर्सनली बता देगा कि सीसी की फार्मूला क्या है। लेकिन अभी आपको बताता हूँ कि सीसी की पावर क्या है और इसी के थ्रू ही आपके जो पैसे हैं वो सारा का सारा सिस्टम है इसी के थ्रू आने वाला है, आपको मैं आगे बताता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट को अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन जैसे प्रोडक्ट का नाम आता है ना दिमाग में घंटी बजती है, एक बड़ी जोर की घंटी बजती है, वी आर नॉट सेल्समैन यार, हमारा काम बेचने वाला नहीं है। बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इंडियन मेंटेलिटी है प्रोडक्ट मतलब बेचने बोलते हैं। दुनिया के अंदर हर एक चीज़ प्रोडक्ट है मेरे भाई, इंसान भी एक प्रोडक्ट ही है, क्लियर है। ये घड़ी पाई है मैंने, ये भी एक प्रोडक्ट है, ये कड़े की बात करूँ ये भी एक प्रोडक्ट है, ये शर्ट एक प्रोडक्ट है, आप जो यूज़ कर रहे हैं वो एक प्रोडक्ट है। तो हर एक चीज़ का मार्केटिंग करने का तरीका होता है। तो हमारा जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वो क्या, सोशल मीडिया है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप उसके थ्रू कैसे काम कर सकते हैं, हम कैसे पैसे कमा रहे हैं, क्या चीज़ें कैसे है, आपको आगे लेके चलता हूँ मैं थोड़ा सा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि सारी की सारी जो गेम है वो सीसी की गेम है। अगर आप 2 सीसी का लेवल कंप्लीट करते हैं, जिसको हम 2 सीसी लाइसेंस बोलते हैं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा, तो आपको मौका मिलता है कि आप 160 कंट्रियों के अंदर अपना सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। 2 सीसी की मार्केट वैल्यू मैंने आपको बताई थी पिछली बार क्या थी, 2,000 पॉइंट, और 2,000 पॉइंट की मार्केट वैल्यू क्या है, कितने के अंदर होता है, कितनी टर्नओवर करनी पड़ती है, वो आपको मैं 2 क्लास के अंदर आगे बताऊंगा। बहुत सारी फेक वीडियोस आपको मिल जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही बात आती है यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे पर्सन बैठे हैं जो ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि समझदार मेरी समझ में नहीं आते बिल्कुल भी। तो अगर आपने उनकी सुननी है तो आप उनकी सुन सकते हैं, अगर आपने हमारी सुननी है तो हमारी भी सुन सकते हैं। और बहुत सारी फेक वीडियोज़ पड़ी हैं ऑलरेडी, मैंने भी देखी हुई, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वीडियो बनाना में कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात वो है कि काम को सीखा जाए, समझा जाए। क्योंकि टीचर आपको टीचर बना सकता है, डॉक्टर आपको डॉक्टर बना सकता है, और दिहाड़ी वाला पर्सन आपको दिहाड़ी करनी सिखा सकता है। डिपेंड ऑन यू कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आपने बिजनेसमैन बनना है, अगर आपने फॉरएवर में कामयाब होना है, तो वही पर्सन आपको कामयाब कर सकता है जो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर कामयाब है। अगर इतना फ्रॉड होता तो हम काम क्यों कर रहे हैं यार,
है ना, लोग पैसे कमा रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं, लोग गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, यार कौन सी बड़ी बात है। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपका लेवल बढ़ता है। 2 CC के ऊपर आप 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकते हो, 25 CC आपकी होती है तो आप 20 से 25 हज़ार रुपये कमा सकते हो, 75 CC जो असिस्टेंट मैनेजर है 40 से 50 हज़ार रुपये कमा सकते हो, और जैसे ही आपका मैनेजर लेवल होता है, ड्रीम लेवल होता है, तो 60 हज़ार प्लस नो लिमिट आप कमा सकते हो। लेकिन ये होगा कैसे आपको मैं थोड़ा आगे जाके बताऊंगा। तो मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी कि हमारी कंपनी को सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, कौशल रेटिंग, MLR, क्योरिटी फ्री सर्टिफाइड, ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, बताने की जरूरत नहीं है, आप गूगल पे जाके खुद भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आगे लेके चलता हूँ मैं आपको, तो एक छोटी स्लाइड के अंदर मैंने सर्च भी किया हुआ, आप खुद भी जाकर गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट किस कंपनी के आ रहे हैं, फॉरएवर लिविंग के आ रहे हैं। तो बहुत सारे फेक प्रोडक्ट आपको अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी कोई भी गारंटी नहीं है, कंपनी कोई क्लेम नहीं करेगी। लेकिन अगर आप FBO बन के लेते हो, अगर आप ज्वाइनिंग करके प्रोडक्ट लेते हो, तो उसकी पूरी की पूरी गारंटी कंपनी लेती है, आपको पक्का बिल मिलता है, वाइट बिल मिलता है आपको, GST के साथ मिलता है, कोई भी इलीगल काम नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर से लेते हैं, अगर आपको कोई भी केस होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसकी जिम्मेवारी आप होगी, कंपनी कोई जिम्मेवारी नहीं लेती, क्लियर है। उसके बाद आगे लेके चलता हूं मैं आप लोगों को, उसके बाद हमने क्या सर्च किया, वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो आप देख सकते हैं फॉरएवर लिविंग आ रहा है, और नीचे आप देख सकते हैं मैंने सर्कल किया हुआ है, 160 कंट्री के अंदर सक्सेसफुली कंपनी वर्क कर रही है, इंटरनेशनली ब्रांड है ना, कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद आगे लेके चलता हूँ मैं आपको, अब मैं आपको बताता हूँ कि पावर के एडवर्टाइजमेंट की, एडवर्टाइजमेंट से लोग क्या करते हैं। सबसे बड़ी बात, मैं आपको थोड़ी सी उदाहरण लेते हैं, हम सबसे बड़ी बात आती है कि नवरत्न तेल एक कंपनी है जो बनाई किसी और ने, लेकिन नवरत्न की तेल की ऐड कौन करता है, हमारे अमिताभ बच्चन जी करते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल, 5 से लेके 8 करोड़ रुपए लेते हैं। अब देखो कंपनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि 5 से 8 करोड़ रुपए दे रही है अमिताभ बच्चन जी को, आपको लगता है कंपनी बेवकूफ़ है, इतनी बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन आपको बताऊंगा कि इसकी पावर क्या है, क्यों देती है वो इनको, ऐसा क्या है इनके अंदर जो हमारे अंदर नहीं है, इनको ऐड क्यों मिलती है, आपको आगे जाके लेके जाता हूं मैं। एक उदाहरण मैं छोटी सी और लेता हूं, लक्ष्य की ऐड करते हैं करीना कपूर जी, मैं सच बताऊं तो इनका कुत्ता भी नहीं नहाता होगा इनसे, है ना, लेकिन फिर भी इनको इसी ऐड करने के, इसी मतलब साबुन की ऐड करने के कितने मिलते हैं, 4 से लेकर 4.5 करोड़ रुपए 2012 में मिलते थे, अब 2022 चल रहा है, आप खुद देख लीजिए कितने पैसे मिलते होंगे। तो उसके बाद आगे लेके चलता हूँ, एक छोटी सी और ऐड दिख दिया, माउंटेन ड्यू की ऐड, डर के आगे जीत है, भाई किसी ने छलांग लगाई है माउंटेन ड्यू पी के, होप सो कि ना लगाइए, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लगा भी दोगे तो भाई लगाना मत, क्योंकि सलमान खान जी तो पूरे सेटअप के साथ लगाते हैं, लेकिन हम लगाएंगे तो फिर सस्त्रीकाल हो जाएगी, है ना। तो उसके बाद ये चार्जेस कितने करते हैं, 5 करोड़ रुपए एनुअल चार्ज करते हैं, यानी कि एक साल के लगभग 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं माउंटेन ड्यू को। अब मेन बात आती है कि इतने इतने पैसे कंपनी को क्यों दे रही है, सिर्फ 10 सेकंड की ऐड करने के लिए 5 करोड़ 8 करोड़ 4 करोड़ क्यों देती है, आपको मैं भी क्लियर करता हूँ, कंपनी पागल नहीं है, कंपनी 8 करोड़ रुपए देके 1,026 करोड़ रुपए कमाती है। हेलो, चेक कर लीजिए थोड़ा सा एस्टीमेट, अगर आपको यकीन नहीं आता गूगल करके देखना, 1,026 करोड़ रुपए, यहीं पे नहीं, आगे कौन सी ऐड मैंने दिखाई थी, लक्ष्य की, आप देखिए 1,000 से लेके 1,099 करोड़ रुपए रेंज कमाती है, 100,000 करोड़ से ज़्यादा ब्रांड्स हैं इनके, आप खुद चेक कर सकते हैं कितने ज़्यादा पैसे टर्नओवर कर लेती है सिर्फ ऐड करके। उसके बाद माउंटेन ड्यू की बात करूँ तो आप खुद देख सकते हैं $7 बिलियन कमाई कर लेती है कंपनी एक छोटी सी ऐड करवा के। लेकिन आप ये जानते हैं कि ऐसा क्यों है, मतलब वो कैसे पैसा कमाती है, क्या चीज़ है, वो सेलिब्रिटी से ऐड क्यों करवाती है, क्या आप जानना चाहते हैं कि डू यू नो व्हाई एडवर्टाइजमेंट सेलिब्रिटी से ही एडवर्टाइजमेंट क्यों करवाती है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो इसलिए करवाती है क्योंकि उनके पास बिग फैन फॉलोइंग है, उनके पास ऑडियंस है, हमारे पास वो ऑडियंस नहीं है, हमारी इतनी फेम नहीं है कि लोग हमें फॉलो करें। लेकिन फॉरएवर लिविंग आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आई है, आपको एक एक्टर बनने का, आपको नाम बनाने का मौका देती है एक नंबर के अंदर, है ना। वैसे तो बहुत सारे आजकल आप लोग देखते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, है ना, मतलब फेम कमाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक रियल आपको एक प्लेटफॉर्म देती है फॉरएवर लिविंग, मैं आपको बताता हूँ करवाने को। तो हमारे रेक्स मोगन जी भी बड़े बड़े ऐडों के साथ करवा सकते थे, ऑलरेडी ये अमेरिका के ना सबसे ज़्यादा अमीर लोगों में से आते हैं, लेकिन इन्होंने क्या बोलते हैं कि सबसे जो बीमारी है ना दुनिया की सबसे बड़ी, वो एम्प्टी पॉकेट है, एम्प्टी वॉलेट है, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी दुनिया की क्या है, एम्प्टी वॉलेट, जो हमारी पॉकेट है। तो एक नॉर्मल पर्सन को अगर हम काम देते हैं, अगर उनको पैसा कमाने का मौका देते हैं ना, तो सबसे बड़ा भलाई का काम है। देखिए
अमेरिका वाले जरूरी नहीं है कि पैसे के पीछे भागते हैं। आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट हुई है अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है उसके अंदर, है ना। तो इसी तरह रेक्स मॉर्गन जी की क्या थॉट है यार, मैं सलाम करता हूँ इस पर्सन को यार, दिल से मैं सम्मान करता हूँ कि हमारे जैसे एक गरीब घर के पर्सनों को एक बड़ा मौका दिया, एक सेलिब्रिटी बनने का मौका भी दिया। आज आप खुद जा कर सकते हैं, आप ऑडियंस को देखना हो तो सेल्फी पार्क क्लब के ऊपर जाके देख सकते हैं। बहुत सारे पर्सन हमारे साथ कनेक्टेड हैं और यहाँ दिल से कनेक्टेड है, प्यार बहुत मिलता है यहाँ से, है ना। तो उसके बाद आगे लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को। तो सेल्फ इम्पायर क्लब ने फॉरएवर के साथ टाइप किया हुआ है। सबसे बड़ी बात आपको क्या हम प्रोवाइड करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करने का मौका देते हैं, नाम बनाने का, फेम बनाने का, पैसा, रिस्पेक्ट, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट यहाँ पे। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब होता है कि अगर हमें कुछ हो भी जाए, आज मैं जिस लेवल पे बैठा हूँ ना, अगर आज मुझे कुछ भी हो जाए ना, तो भी जो पैसा मैं कमा रहा हूँ वो मेरी फैमिली को मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, लाइफ टाइम मिलता रहेगा। पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, बहुत शांति है, मैं दिल से खुश हूँ। जिस पर्सन की खुद की औकात नहीं थी 30-40 हज़ार रुपये कमाने की, आज वो लोगों को काम देने के लायक बन गया। सच बता रहा हूँ यार, बहुत मन की शांति है, यहाँ से खुशी मिलती है कि हम भी किसी को काम दे रहे हैं। रिकॉग्नाइजेशन, इसके बारे में आगे बताऊंगा। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है कि आपको सम्मानित भी किया जाता है, वो भी कोई छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पे नहीं, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, आपको आगे जाकर बताऊंगा। ट्रेनिंग स्पोर्ट आपके सामने है और सेल्फ एम्पायर क्लब लाइफ टाइम आपको हैंड होल्डिंग देता है, आपके साथ हाथ जोड़ के चलेगा, हाथ पकड़ के चलेगा, लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए। अगर आपको वीडियो देख के अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बता देगा कि हम आपकी कितनी हेल्प कर रहे हैं, ना। तो अगर आपको अच्छी लगी तो आप आगे भी किसी को शेयर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेन हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है कि लोगों को कामयाब करना है। जो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है उनको अपॉर्चुनिटी देना है, क्लियर है। उसके बाद आगे लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को। तो दो तरह के लोग काम करते हैं दुनिया के अंदर, एक काम करते हैं अपने सपनों के लिए और एक काम करते हैं ब्रेड एंड बाइट के लिए, दो टाइम के खाने के लिए। डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप अपने सपनों के लिए काम करना चाहते हो, सेल्फ एम्पायर क्लब आपके लिए। अगर आप अपने दो टाइम के खाने के लिए काम करना चाहते हो, सेल्फ एम्पायर क्लब आपके लिए नहीं है भाई, आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, क्लियर है। उसके बाद आगे लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को। दुनिया के अंदर अमीर और गरीब के अंदर पहले मेरे बहुत सारे थॉट थे मन के अंदर कि भगवान बना के भेजता है, किस्मत होती है, ये है वो है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। भगवान ने हमारे साथ कोई भी पार्शियलिटी नहीं करी, 24 घंटे हमें दिए हैं, 24 घंटे अमीर पर्सन को दिए हैं, हर एक पर्सन को 24 घंटे दिए हैं। इसी 24 घंटे के अंदर अंबानी जैसे लोग बन जाते हैं, टाटा बिरला जैसे लोग बन जाते हैं, गरीब घर से उठ के, और इसी के अंदर दो टाइम का खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। रीज़न, नॉलेज, काम करने का तरीका, सीखने का तरीका, है ना। तो आपको मैं थोड़ा सा ये भी गाइड करना चाहता हूँ। तो 95% जो पीपल का लाइफस्टाइल वो क्या होता है, वो बचपन के अंदर पढ़ाई करते हैं, टीनेज के अंदर वो जॉब की तलाश करते हैं, और ओल्ड एज के अंदर वेटिंग फॉर डेथ करते हैं। क्यों? क्योंकि सेविंग नहीं होती। आपको लगता है जिस हिसाब से आज की डेट के अंदर दौर चल रहा है, जैसी सरकारें आजकल की हो रखी हैं, आपको लगता है कि आपका जो बुढ़ापा वो सिक्योर है? अरे यार, जवानी सिक्योर नहीं है यहाँ पे, तो बुढ़ापा कहाँ से सिक्योर हो जाएगा? लेकिन वहीं पे जो बिजनेस ओनर होते हैं, लाइफस्टाइल 5% वाला, वो क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं बचपन के अंदर, लेकिन वो टीनेज के अंदर एक ऐसा सिस्टम बिल्डअप कर देते हैं कि वो लाइफ टाइम एंजॉय करते हैं विद सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है एक ऐसा काम कि आपको मरने के बाद भी पैसा आता रहे यार, आप बूढ़े हो जाओ लेकिन फिर भी आपको पैसा आता रहे, ये पावर है। जियो की बात करूँ, आज अंबानी डेथ भी हो जाए, वैसे तो क्यों हो, भगवान ना करे, लेकिन अगर हो भी जाती है ना, तो भी जियो चलती रहेगी, हम रिचार्ज करवाते रहेंगे, उनको पैसा आता रहेगा, क्लियर है। उसके बाद आगे लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को। तो आज की डेट के अंदर भाई मेरे एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन है। आंखें बंद करके रखोगे तो मार खा जाओगे, लेकिन अगर आप आंखें खोलोगे तो आप चेक करना, अकाउंट ओपनिंग से लेकर रिलेशनशिप तक, बिल पे, टिकट पे, हर एक चीज़ आजकल की डेट के अंदर ऑनलाइन है। तो अगर इतना सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है, तो पैसा कमाना ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता यार? और उसके लिए क्या चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक मौका चाहिए। सेल्फ एम्पायर क्लब आपको मौका देकर जा रहा है कि आप भी सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमा सकते हैं, जैसे हम लोग कमा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट करके अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा सकते हो, अपना नाम बना सकते हो। लेकिन वो कैसे होगा, उसके लिए आपको 2 दिन की क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, जो कि आपको कल और परसों मिलेगी, क्लियर है। उसके बाद आगे लेके जाना चाहता हूँ, हमारे सिस्टम के साथ बहुत सारी लेडीज पैसा भी कमा रही हैं, गर्ल्स पावर है यार। क्योंकि लड़कियों को मैं क्यों ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उनको बहुत कम मौके मिलते हैं ज़िंदगी में कामयाब होने के। स्टडी के बाद उनकी शादी हो जाती है, वही बच्चों के साथ फिर ज़िंदगी निकल जाती है, वही बर्तनों में, वही कूड़ा करकट में ज़िंदगी रह जाती है, उनको नाम बनाने का मौका नहीं मिलता। हमारी तरक्की को लगभग लगभग आप कुछ चेक कर सकते हैं, 75 ईयर के समथिंग हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी जो हमारी मेंटेलिटी है लड़कियों को लेकर, वो वैसी की वैसी है। तो देखिए, अगर आप चेंज होते हैं तो आपकी पूरी की पूरी जनरेशन चेंज हो जाएगी। तो लड़कियां ऑलरेडी बहुत पैसा कमा रही है हमारे साथ। उसके बाद आगे लेके चलता हूं मैं आप लोगों को। ये देख सकते हैं आप लोग, 1,15,000 रुपये, 1,09,000 रुपये और भी, लेकिन मैं मतलब चेक दिखा के आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूं कि अगर ये सब कर सकते हैं तो कर आप भी सकते हैं, बस बात विश्वास की होती है। उसके बाद आगे लेके चलता हूं मैं आप लोगों को।
अगर आपको छोटे से छोटा बिजनेस भी स्टार्टअप करना, अगर आपको गन्ने की रेड़ी भी लगानी है ना, तो कम से कम भी 50-60 हज़ार रुपये आपको चाहिए चाहिए। उसके बाद फुल टाइम काम करना पड़ेगा, स्ट्रेस टेंशन बहुत हो, मतलब मैनी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन काम को सीखते हो, बढ़िया तरीके से सीखते हो, तो आप घर पर बैठ के बहुत कुछ कर सकते हो। देखो, एक लोहार एक सुनियार है, मेहनत दोनों करते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पर क्या है, वो सोने के ऊपर मेहनत कर रहा है, वो कहाँ पर कर रहा है, लोहे के ऊपर। वो बाहर मतलब धूप के अंदर धक्के खाएगा, लेकिन सुनियार एसी वाले रूम के अंदर बैठ के अपन एंजॉय करेगा। लेकिन मेहनत दोनों कर रहे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म का फर्क है। उसी तरह लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वहीं पे सेल्फ एम्पावर क्लब आपके लिए क्या लेके, एक ऑनलाइन सिस्टम यार भाई मेरे, बदलना पड़ेगा। आज की डेट के अंदर अगर हमने कपड़े भी लेने हैं ना, तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो फिर हेल्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए क्यों नहीं यार। वैसे भी तो मार्केट से बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बस वही तो हमने ट्रांसफ़र करनी है। जो आप बाहर मेडिकल शॉप से या आप किराना स्टोर से ले रहे हो, वही तो आपने फॉरएवर से यूज़ करना है, बात खत्म। इतने तो हमारा काम है, और इससे क्या हो जाएगी, लोगों की हेल्प भी हो रही है और वर्ल्ड क्लास ब्रांडेड चीज़ आपको मिल रही है, क्लियर है। उसके बाद आगे लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को। तो रिकॉग्नाइजेशन की बात करी तो आपके सामने वेरी प्राउड मोमेंट इन माई लाइफ, सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट वाली बात है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कंट्री हेड हैं जो हमारे हरीश सिंगला जी, उनके साथ खड़े होने का मौका मिला यार, हेड्स ऑफ यू, मतलब बहुत दिल खुश है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, जब मैं वहाँ पे खड़ा, दिल्ली के अंदर सक्सेसफुल हुआ था हमारा ये, दिल्ली के अंदर 5,000 लोगों के अंदर हमें सम्मानित किया गया था, असिस्टेंट मैनेजर रिकॉग्नाइज हुआ था, और उसके साथ साथ बड़े बड़े लीडर जो फॉरएवर के अंदर टॉप अर्नर्स हैं, जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, जो मेरे मेंटोर हैं, जिनको देख के मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ कि यार ये पर्सन अगर काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। तो उनके साथ मुलाकात करने का मौका मिला, आपके सामने बीच देख सकते हैं कि वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी। तो वही चीज़ है भाई, अगर मैं कर सकता हूँ तो कर आप भी सकते हैं। बात वहीं पे आती है, काम को सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये कोई लॉटरी नहीं है कि 2 मिनट के अंदर रेडी हो जाए भाई, ज़िंदगी है, टाइम तो लगेगा। उसके बाद आपको मैं आगे लेके चलता हूँ थोड़ा सा और। तो बहुत सारे पर्सन गलती कर देते हैं कि एजुकेशन के अंदर लव हो जाता है, कोई नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपने लव नहीं करना, कुछ नहीं करना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ कि 2 डिसीजन आपके खुद के होने चाहिए, एक आपकी शादी करने का और एक आपके काम करने का। क्यों? क्योंकि अगर आपके पसंद की शादी नहीं ना होगी तो आप खुश नहीं रह पाओगे। दूसरी बात, अगर आपके पसंद का काम नहीं ना होगा तो आप लाखों रुपए भी कमा लोगे लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। तो उसी तरह पढ़ाई के साथ साथ अगर आप इस काम को करते हो तो अपने करियर के ऊपर फोकस करना, क्योंकि अगर आपके पास बढ़िया करियर है ना, तो आपको लव लाइफ तो ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया मिल जाएगी। क्योंकि हर एक लड़की चाहती है कि उसको एक ऐसा पति मिले, या हर एक लड़का ऐसा चाहता है कि उसको एक ऐसी गर्ल मिले जो ऑलरेडी करियर सेटल है। हर एक पर्सन आप देखिए यार, आप फिल्मों में देखिए, आप कोई भी देखिए, अगर आपका करियर बहुत बढ़िया ना, तो आपको प्यार भी आपका मिल जाएगा और आपकी फैमिली भी खुश हो जाएगी। क्योंकि हर एक फैमिली यही चाहती है कि उनका जो उनको जो आगे मतलब रिश्तेदार मिले, या जैसे हम गांव में बोल देते हैं जीजा जी मिले, तो हर एक पर्सन यही चाहता है कि उनको एक बढ़िया करियर मिले जो ऑलरेडी अपने करियर के ऊपर फोकस करता है। तो गाइज, आपके पास अपॉर्चुनिटी खुद चल के आई है, आप अपने करियर के ऊपर फोकस करना, बाकी सारी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी। उसके बाद और आगे लेके जाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, बहुत सारे चैलेंज आते हैं बंदे को ऑनलाइन बिजनेस जब हम करते हैं, क्योंकि बिल्कुल नया काम है। हमारे बाप दादा ने अभी तक इसके बारे में सुना होगा लेकिन देखा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो पापा नहीं मानेंगे, मुझसे नहीं हो पाएगा, बट कॉस्टली है, मेरे साथ कोई नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, ये सब कुछ बहानेबाजी यार नहीं बनाना आप लोगों ने। होप्स हो कि आप लोग ऐसे नहीं होंगे कि आप बहाने बनाओ। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप इस काम को सीखो, मैं करने की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले इस काम को सीखो। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि आप ज़िंदगी बना सकते हो, तो आप सेल्फ एम्पावर क्लब को ज्वाइन करो, 100% आपके साथ है, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। और एंड दी एंड मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद हम मीटिंग एंड करेंगे। एक बार क्या होता है, एक बंदर होता है और एक उसकी वाइफ होती है बंदरिया। तो क्या होता है कि एक बार दोनों सो रहे होते हैं, तो बंदरिया को सपना आता है एक बार, बड़ी ज़बरदस्त कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्या होता है कि बंदरे को सपना आता है और वो सुबह अपने पति को उठाती है, बंदर को उठाती है, और वो बोलती है कि अगर हम सुबह 4 बजे वो पास वाली नदी के ऊपर जाते हैं ना, तो वहाँ पे जाके हम टुबकी लगाते हैं, तो आप राजा बन जाओगे और मैं रानी बन जाऊँगी, क्लियर है। तो वो क्या, पहले तो यकीन नहीं करता, लेकिन बाद में बोलता चलो कोई बात नहीं, चलेंगे। तो क्या होता है, दूसरे दिन सुबह होती है, दोनों उठते हैं और जाते हैं, सुबह 4 बजे टाइम फिक्स होता है, और बंदर बंदरिया आँखें बंद करते हैं, और बंदरिया बोलती है मैं 3 गिनूंगी, हम इकट्ठे छलांग लगाएंगे। तो क्या होता है, वो 1, 2, 3 करती है और टुबकी लगा देती है। कुछ टाइम के बाद वो बाहर निकलती है और वो सच में रानी बन जाती है, लेकिन वो आसपास देखती है, बंदर कहीं दिखाई नहीं देता। तो वो नीचे जाके देखती है, पानी के अंदर कहीं डूब तो नहीं गया, मर तो नहीं गया, लेकिन वो फिर भी दिखाई नहीं देता। आस पास देखती है, वो कहीं नहीं दिखता। फिर वो ऊपर देखती है, तो वो ऊपर किनारे के ऊपर बैठा होता है। तो वो बाहर निकल के जाके देखती है, परी बन जाती है, वो आपको पता रानी बन गई होती है ना। तो वो वहाँ पे देखती है, बंदर को पूछती है भी तू क्यों नहीं लगाया, वो बोला मेरे मन के अंदर शक आ गया, अगर मैं राजा ना बना तो। तो बंदरिया का जवाब सुनिए, आपका दिल भी एकदम खुश हो जाएगा।
वो क्या बोलती है, अगर नहीं राजा बनता तो क्या होता, बंदर का तो बंदर है ही, पहले भी तो बंदर ही ना। देखिए मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आज आपको मौका मिला है, मान लो अगर आपका कुछ नहीं भी बनता तो क्या दिक्कत है यार, सीखने में कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर कुछ बन गया तो, अगर आप मैनेजर बन गए तो, अगर लाख रुपये आना शुरू हो गया तो, अगर आपकी जो घर की दिक्कत है वो ठीक होगी तो, बहुत सारी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की है, मैंने आपको पहले बताया था। अगर आप अपने विचार चेंज करते हैं तो आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। मैंने विश्वास किया था, आज आपके सामने बैठा हूँ। अगर ये अमृत एक मजदूर का लड़का कर सकता है ना, तो कर आप भी सकते हैं। बात किसकी आती है, विश्वास की आती है। तो अगर आपको ज्वाइनिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपका एक आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो पैन कार्ड लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर इसके बारे में आपने प्रॉपर आपने सीखना है, प्रॉपर आपने जानना है कि ज्वाइनिंग कैसे होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, तो जिस भी पर्सन ने आपको इस वीडियो का लिंक सेंड किया है, आपने उसके साथ कॉन्टैक्ट करना है, वो आपको खुद बता देगा कि कैसे ज्वाइनिंग होती है। जल्दी से आप कनेक्ट होइए हमारे साथ, हम मिलकर दुनिया को चेंज करेंगे यार। सबसे पहले खुद को चेंज करेंगे, फिर अपनी फैमिली को चेंज करेंगे, और दुनिया ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, क्योंकि दुनिया की स्टार्टिंग अपने आप से होती है ना। बाकी अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलकर, होप्स हो कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने आगे भी शेयर करनी है, और भी पर्सन को सेंड करने हैं, ताकि और भी लोगों की ज़िंदगी जो है वो चेंज हो सके। बाकी अब फिर से आपको बोलता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो स्क्रीनशॉट उस पर्सन को सेंड करना है, जिस भी पर्सन ने आपको लिंक सेंड किया है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना जो भी आपको सजेशन देना चाहते हैं, या जो भी आपको सीखने को मिला एक कमेंट भी करना आपने, और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको और भी बहुत सारी मिलने वाली। ठीक है जी, बाकी मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है। मैं तो यही चाहूँगा कि आप काम को सीखे समझे, मिलके दुनिया को चेंज करेंगे। बाकी मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है, टेक केयर, भगवान आप सबको खुश रखे, और जो भी आपके सपने हैं जल्दी से जल्दी वो पूरे हो जाएंगे। बाकी ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।